हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर डीके सिन्हा विथ टुडेज टॉपिक आरडीएनए टेक्नोलॉजी और प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके कुछ स्टेज के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, जैसे एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग और फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस मेथड, एंड फोर्थ डीएनए एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर मेथड पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। ये स्टेज हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे का स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो वह नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज नेक्स्ट स्टेज, मींस फिफ्थ स्टेज। फर्स्ट आइसोलेशन, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड सेपरेशन एंड फोर्थ पीसीआर। तो फिफ्थ स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अकर्स बाई कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर डीएनए और पैसेंजर डीएनए एंड डीएनए व्हीकल और वेक्टर डीएनए, दोनों के मिलने से जो डीएनए बनता है उसी का नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर डीएनए। ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के पहले बोथ डीएनए मीन्स पैसेंजर डीएनए एंड वेक्टर डीएनए आर कट विद द हेल्प ऑफ सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ सेम रिस्ट्रिक्शन, एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का यूज करेंगे। रीजन क्या है? सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेम स्टिकी एंड इन डिजायर डीएनए, पैसेंजर डीएनए और इन वेक्टर डीएनए, दोनों में एक ही तरह का स्टिकी एंड बने ताकि वह जुड़ने में ईजी हो, इसीलिए उसको हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। अलग अलग एंजाइम लेंगे, सबका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग होगा, अलग अलग तरीके का एंड का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि लाइगेशन में प्रॉब्लम्स होगी, कॉम्प्लिकेशंस आएगा। ओके, सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोथ डीएनए आर कट विद द हेल्प ऑफ सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। डिजायर डीएनए, पैसेंजर डीएनए एंड वेक्टर डीएनए बोथ आर कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, सो दैट बोथ विल हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स। ओके, अब प्रोसेस क्या करेंगे? सपोज दैट मिक्सर आप ले लेंगे दोनों डीएनए का, डीएनए, और इसमें हमने क्या मिला दिया? लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम मिलने से क्या बन जाएगा हमारे पास? आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिए, सपोज दैट दिस इज प्लाज्मिड और वेक्टर डीएनए, वेहिकल डीएनए, पीवीआर 322, इन पीवीआर 322 टू साइड्स आर प्रेजेंट। सपोज दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट एंड दिस इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस साइट एंड दिस इज डिजायर डीएनए। ठीक है, अब हमने क्या किया? दोनों पर एक्शन कराया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का। रिजल्ट क्या हुआ? सपोज डैट इसको काट दिया इस रूप में, देखो दिस इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस साइट एंड दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट एंड दिस डिजायर डीएनए ऑल्सो इन डिफरेंट सेगमेंट्स। ओके, नाउ लाइगेशन। अब हमने क्या किया? लाइगेशन किया। अब देखिए, लाइगेशन में दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वन इज कॉल्ड सेल्फ लाइगेशन,
एंड अदर इज रिकॉम्बिनेंट लाइगेशन. सेल्फ लाइगेशन एंड रिकॉम्बिनेंट लाइगेशन, यह जो कटा है लाइगेस हो सकता है इसी को जोड़ दे. तो अगर सेल्फ लाइगेशन की बात करेगा तो फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में वेक्टर आ जाएगा दिस लाइक मीन्स टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन. दिस इज द केस ऑफ सेल्फ लाइगेशन. जिसको अलग किया काट के वही फिर जुड़ जा सकता, पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है. और दूसरे कंडीशन में रिकॉम्बिनेंट की बात अगर हम करेंगे दिस इज अ साइट ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ डिजायर्ड डीएनए. मतलब जो डिजायर्ड डीएनए था वह जाकर यहां अटैच हो गया, ठीक है ना. अब देखिए इन दिस कंडीशन दिस डीएनए इज कॉल्ड आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. And during formation of recombinant DNA, some character of vector such as tetracycline resistance capacity becomes lost. Tetracycline resistance की capacity जो था क्या हो गया, वो lose कर दिया, loss हो गया. इसका मतलब है किसी एक DNA के आने से दूसरा जो जीन था, दूसरा जीन था वह जो इनएक्टिव हो गया, और उस प्रोसेस का नाम क्या देंगे, डेट इज कॉल्ड इंजर्सनल इनएक्टिवेशन. डेट प्रोसेस इज कॉल्ड, यहां क्या हुआ, एक था पहले से यहां था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन, दूसरा जीन आकर अटैच हो गया, इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी गायब हो गया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजर्सनल इनएक्टिवेशन. दिस इज कॉल्ड इंजर्सनल इनएक्टिवेशन. मतलब क्या हुआ, किसी एक जीन के इंजर्शन से दूसरे को इनएक्टिव हो जाना, इट इज इनएक्टिवेशन ऑफ ए जीन बाय इंजर्शन ऑफ अदर जीन, बाय इंजर्शन ऑफ अदर जीन. दिस इज कॉल्ड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन. ओके, एंड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन अकर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए. ड्यूरिंग सेल्फ लाइगेशन इंजर्शनल इनएक्टिवेशन नॉट अकर्स. ओके, सो दिस इज द फिफ्थ स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आरडीएनए बना है उस आरडीएनए को कंपिटेंट होस्ट में, सुटेबल होस्ट बॉडी में डालेंगे एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ सी, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल होस्ट सेल आल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल में बाहर से डीएनए और आरडीएनए को इंजर्ट कराना है. डायरेक्टली किसी भी सेल के अंदर आरडीएनए का इंजर्शन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू चेंज इन केमिकल नेचर. सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल नेचर, डीएनए का केमिकल नेचर सेपरेट है, अलग अलग है. एक हाइड्रोफोबिक नेचर का है, एक हाइड्रोफिलिक नेचर का है, वो कभी भी उससे पार नहीं हो सकता है. तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे मेथड का यूज किया जाता है. इन सम केसेस आरडीएनए इज इंजर्टेड इन सुटेबल होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ वेक्टर और इन सम अदर केसेस विदाउट वेक्टर इट इज आल्सो डन. कभी कभी बिना वेक्टर का भी कुछ मेथड है जिसके हेल्प से आरडीएनए को सेल के अंदर इंजर्ट कराया जाता है. ओके, सो देखें, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सेवरल मेथड्स आर अप्लाइड एंड मेथड डिपेंड्स अपॉन होस्ट सेल. अलग अलग होस्ट सेल के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर हम देखें इन बैक्टीरियल सेल,
इन बैक्टीरियल सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल्स आर ट्रीटेड विथ डाइवेलेंट आयन सच एज कैल्सियम आयन एंड एंजाइम्स, लाइसोजाइम एंजाइम इज ऑल्सो यूज. ओके, ड्यू टू एक्शन ऑफ डाइवेलेंट आयन मेक्स सम पोर्स, ट्रांजियंट पोर, अ स्मॉल पोर इन सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया, क्रिएट्स पोर्स इन सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया एंड आफ्टर दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फोर्सफुली इंजर्टेड इन बैक्टीरियल सेल बाय टेम्परेचर शॉक. अब टेम्परेचर शॉक का मतलब क्या हुआ, क्या करेंगे, देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल प्लस आरडीएनए केप्ट ऑन आइस मींस 0°C. सडनली ट्रांसफर्ड इन हाई टेम्परेचर मीडियम एंड हाई टेम्परेचर मीडियम मीन्स 42°C. पहले 0°C पर रखा गया, फिर उसको तुरंत 42 पर ट्रांसफर कर दिया गया एंड अगेन अगेन एट 0°C, फिर से इसको 0°. यह प्रोसेस कई बार रिपीट किया जाता है, 0°C, 42°C, 0°C, और ऐसा करने से बैक्टीरियल सेल के अंदर पोर बनता है और उस पोर्स के द्वारा क्या होता है, आरडीएनए इंटर कर जाता है. ये तो हुआ, हमने बात किया बैक्टीरियल सेल की. अगर हम कोई दूसरा सेल की बात करें तो उसका टेक्निक क्या होगा, अलग अलग होगा, जैसा कि मैं बताया कि अलग अलग सेल के लिए इसका टेक्निक और प्रोसेस जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है ना. अब अगर हम बात करते हैं सेकंड, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन प्लांट सेल. अब अगर हम देखें प्लांट सेल तो कौन सा टेक्निक अपनाए, नौशी, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन प्लांट सेल कॉमनली डन बाय टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड. टीआई प्लाज्मिड ऑब्टेंड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस. टीआई प्लाज्मिड मीन्स, टीआई मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड दैट causes ट्यूमर और causes crown gall disease in dicot plant, only in dicot plant, monocot plant में TI plasmid का action नहीं होता है. Okay, and RI plasmid obtained from एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स कॉजेस हेयरी रूट डिजीज. इट कॉजेस हेयरी रूट डिजीज. ओके, अब देखिए अगर टी आई प्लाज्मिड है, सपोज दैट दिस इज टी आई प्लाज्मिड, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ टी आई जीन. टी आई जीन, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन डाइकॉट प्लांट्स. ओके, If this gene is replaced by desired gene, this gene, this is desired gene, it causes diseases. Disease cause कर रहा है, इसका मतलब है virulence है, virulence form में है. अब अगर हम क्या करते हैं, इसको हम दोनों को जोड़ दें, इन दिस केस मीन्स टी आई जीन इज रिप्लेस्ड बाई
डीएनए, ठीक है ना। क्या किया गया, डिजायर डीएनए से रिप्लेस्ड कर दिया गया। और अगर जैसे पहले या जा करके प्लांट बॉडी में ट्यूमर काउज कर रहा था, तो अब भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस प्लांट बॉडी में जाएगा और अपने साथ क्या लेकर जाएगा, डिजायर्ड जीन लेकर जाएगा। सो दिस इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन प्लांट से, ओके। एंड जैसा कि मैं बताया कि ट्यूमर का फॉर्मेशन सिर्फ डाइकॉट प्लांट में ही होता है, मोनोकॉट प्लांट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो डाइकॉट प्लांट में एक केमिकल है डेट इज कॉल्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल जीन इन डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट में एक स्पेशल जीन है, नाम है एसिटोसायरिन जीन। नाम क्या है, एसिटोसायरिन जीन। और इस जीन के केमिकल से ही यह टीआई जीन एक्टिवेट होता है डाइकॉट प्लांट में और ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। मोनोकॉट में यह जीन नहीं है, रिजल्ट क्या होता है, मोनोकॉट में टीआई एक्टिवेट नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट, इन एनिमल डन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज और इन जायगोट स्टेज। सपोज दैट जैसे मेल गैमेट अगर है और फीमेल गैमेट है, दोनों का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया गया, बना क्या, जायगोट, ओके। इन दिस स्टेज जीन इज इंसर्टेड, जायगोट से डेवलप होगा एम्ब्रायो एंड इट इज ट्रांसफर्ड इन सरोगेट मदर। सरोगेट मदर गिव्स चाइल्ड बर्थ एंड दिस एनिमल इज कॉल्ड जीएमओ और जीएमए मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। सबसे पहला जो जीएम एनिमल बना था, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल वाज माउस। माउस में जीएच और जीन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जीन ऑफ ग्रोथ हार्मोन मींस जीएच वाज इंसर्टेड। रिजल्ट क्या हुआ कि माउस का साइज काफी बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया और उसका नाम दिया गया सुपर माउस, ठीक है। इसके आगे पहला बना था माउस सुपर माउस, इसके बाद बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल का फॉर्मेशन किया गया। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट जीन मेथड। इन दिस मेथड नो एनी वेक्टर इज यूज टू ट्रांसफर द आर डीएनए इन होस्ट से और डिजायर डीएनए इन होस्ट से। वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेस कॉमन प्रोसेस, हैव लो सक्सेस रेट एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मोर देन वन मेथड, डिफरेंट मेथड सच एज फर्स्ट इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट, पोरेशन मीन्स पोर, फॉर्मेशन ऑफ पोर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। प्रोसेस इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए
इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल बाय मेकिंग पोर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेकिंग पोर्स विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए टू होस्ट सेल बाय मेकिंग पोर्स विद द हेल्प ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है ना। अब इसमें करते क्या देखिए, मिक्सर ऑफ डीएनए इज एक्सपोज्ड। अब इसके लिए दो कंडीशन है, या तो हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज हो। लो वोल्टेज होगा तो पल्स लॉन्ग होगा, लो वोल्टेज एंड लॉन्ग पल्स। और दूसरा कंडीशन ले सकते हैं, हाई वोल्टेज एंड शॉर्ट पल्स। ये दोनों कंडीशन में अगर सेल को एक्सपोज किया जाता है, रिजल्ट क्या होता है, इट मेक्स ट्रांजिएंट पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन एंड अलाउ द एंट्री ऑफ डीएनए। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल सेल एंड एनिमल सेल। ओके, इलेक्ट्रोपोरेशन इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल। सेकेंड मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन। सेकेंड इज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, इंजेक्शन मीन्स इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के हेल्प से डीएनए को सेल के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है, एंड दिस इज सुटेबल फॉर एनिमल सेल, यूज फॉर एनिमल सेल। इन दिस मेथड डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस यूजिंग माइक्रो नीडल और माइक्रो पिपेट हैविंग डायमीटर 0.1 to 0.5 माइक्रोन, वेरी माइक्रो नीडल और माइक्रो पिपेट। दिस इज एनिमल सेल, एनिमल सेल। ओके, न्यूक्लियस सेल को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए एक वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब से सेल को पकड़ा गया और इधर से माइक्रो पिपेट इंजेक्शन दिया गया। ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि हर हालत में सक्सेस 100% सक्सेस ही हो जाए। किसी किसी कंडीशन में अगर न्यूक्लियस साइड में है तो ऐसे कंडीशन में यह सक्सेस नहीं होगा। तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड और इसको कराने के लिए एक्सपीरियंस्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट्स होता है। अब एक एक सेल को पकड़ पकड़ कर डालना होता है तो समय भी ज्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग मेथड्स है और एक्सपीरियंस्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट्स होता है। सक्सेस रेट स्लो है, सक्सेस रेट लो है। सो दिस इज माइक्रो इंजेक्शन। नेक्स्ट मेथड जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड, जीन गन ऑल्सो कॉल्ड पार्टिकल गन और बायोलिस्टिक मेथड। जीन गन, पार्टिकल गन और बायोलिस्टिक मेथड। इट इज यूज फॉर प्लांट सेल। हैवी मेटलिक पिलेट्स कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन और गोल्ड एंड कोटेड विथ डीएनए आर एक्सीलरेटेड टू ए वेरी हाई वेलोसिटी। यानी इसका जो मेन थ्योरी है, प्रिंसिपल है, वो गन का थ्योरी है। गन में क्या होता है, एक पिन से, फायरिंग पिन से जब फोर्स दिया जाता है तब वहां से जो भी बुलेट है आगे की तरफ जाता है, यही ना। सेम वही टेक्निक प्रिंसिपल यहाँ यूज किया गया है। यह देखिए स्ट्रक्चर है जीन गन का।
यहां है फायरिंग पिन, फायरिंग पिन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, यह है माइक्रो प्रोजेक्टाइल, कोटेड विथ, यही है माइक्रो प्रोजेक्टाइल, कोटेड विथ डीएनए, कोटेड विथ डीएनए, कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन एंड गोल्ड, किसका बना है, टंगस्टन और गोल्ड का बना हुआ है। अब देखिए यहां है प्लेट, दिस इज प्लेट कंटेनिंग टारगेट सेल, जिस सेल में डीएनए को एंट्री कराना है वह सेल को यहां रखा गया एक प्लेट पर, तो प्लेट कंटेनिंग टारगेट सेल, एंड दिस इज कॉल्ड वेंट, ठीक है। अब देखिए अगर फायरिंग पिन पर प्रेशर पड़े, तो जब यहां से प्रेशर आएगा तो यह इसको प्रेस करेगा, और जब इस पर प्रेशर पड़ेगा रिजल्ट क्या होगा, माइक्रो प्रोजेक्टाइल और माइक्रो प्रोजेक्टाइल दोनों मूव करेगा, यहां आया। अब यहां देखिए ब्रेकर लगा हुआ है, अब यहां के बाद माइक्रो प्रोजेक्टाइल आगे पास नहीं करेगा, लेकिन जब इससे टकराएगा तो ब्रेक कर जाएगा, और उस कोटेड किससे है, डीएनए से, तो ब्रेक करेगा, लेकिन डीएनए वहां से फोर्सली आगे की तरफ जाएगा, और फोर्सली आगे जाएगा, इससे आगे यहां रखा हुआ क्या है, टारगेट सेल्स है, रिजल्ट क्या होता है कि वह टारगेट सेल में जाकर के एंट्री कर जाएगा। अब देखिए इसके पहले जो हमने मेथड पढ़ा माइक्रो इंजेक्शन, उसमें एक एक करके सेल के अंदर डालना पड़ रहा था, काफी टाइम क्रिएट किलिंग हो रहा था यहां, लेकिन यहां क्या है, एक ही समय में बहुत सारे सेल्स के अंदर डीएनए को इंजर्ट कराया जा सकता है, तो माइक्रो इंजेक्शन के कंपेरिजन में बायोलिस्टिक मेथड जो है वह ज्यादा इजी माना जाता है, और इसका सक्सेस रेट भी ज्यादा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखें हम लोग, अब नेक्स्ट मेथड इज केमिकली मेडिएटेड ट्रांसफर, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, इन दिस मेथड मेनली पीईजी इज यूज्ड, पीईजी पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल, पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल, इट हेल्प्स इन अपटेकिंग ऑफ डीएनए, यानी सेल को अगर पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल से ट्रीट किया जाता है तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ न कुछ चेंजिंग होता है, रिजल्ट क्या होता है, वो फॉरनर डीएनए को भी इंटेक करना शुरू कर देता है। तो ये हो गया केमिकली मेडिएटेड ट्रांसफर। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट मेथड इज लाइपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफर, लाइपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफर, लाइपो मींस लिपिड, सोम मींस बॉडी, लाइपो मींस लिपिड, सोम मींस बॉडी, ठीक है ना। तो लाइपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि इसमें लिपिड बैग इज यूज्ड, इसमें लिपिड का बना हुआ बैग यूज किया जाता है। इन दिस मेथड डीएनए इंक्लोजेस विद इन लिपिड बैग, लिपिड बैग है उसके अंदर डीएनए है, दीज आर लिपिड बैग्स, और इस बैग्स को सेल के कॉन्टैक्ट में लाया गया, द मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, एंड लिपिड एंड प्रोटीन का जो नेचर है वह हाइड्रोफिलिक है, कैसा है, सॉरी हाइड्रोफोबिक है,
और हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण लिपिड इससे पास कर जाता है, और जब लिपिड पास कर जाएगा यह बैग अंदर जाएगा, अपने साथ क्या लेकर गया, अपने साथ लेकर डीएनए गया, और यह डीएनए जाकर के इसके प्रोटोप्लाज्म से फ्यूज कर गया और फिर वहां आगे इसका प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आज हमने देखा डिफरेंट मेथड्स टू मेक कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट में डीएनए को कैसे इंटर कराया जाए, इसका हमने मेथड देखा। दो मेथड हमने पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। दो मेथड्स और इसका बचा हुआ है। जैसे अभी तक हमने सेल के अंदर डाला, मान लिया बहुत सारा सेल लिया, अब इस बहुत सारे सेल्स में हमने बाहर से आरडीएनए को डाला। किसको डाला? आरडीएनए। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि सभी सेल्स में आरडीएनए इंटर कर गया है। इन सम आरडीएनए इंटर्स एंड इन सम अदर इट इज नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट स्टेज इज अ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ होस्ट सेल। हमने जो डीएनए डाला उसमें गया नहीं गया, उसको हम स्क्रीनिंग करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे, फिल्टर करेंगे, और तब फिर उससे हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। तो दो इसका स्टेज बचा हुआ है, स्क्रीनिंग एंड ऑब्टेनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बोर्ड के लिए क्वेश्चन आता है कभी कभी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जब प्रोसेस डिस्क्राइब करना होगा तो हम तो पूरा स्टेज बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप वहां सिर्फ नाम लिख करके आगे बढ़ेंगे, काम चल जाएगा। जैसे एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर, कटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम, सेपरेशन बाय जेल पोरेसिस, स्टेज देकर के निकालेंगे, काम चल जाएगा। ओके।